हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीकॉम सेम फाइव से बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज उसकी पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग की जो एग्जाम होती है वो 70 मार्क्स की होती है, और ये 70 मार्क्स की जो पेपर पैटर्न होती है वो क्या होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ में आपको एग्जाम में अटेंड करने के लिए 2.5 आवर्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो उतने के अंदर हमको पूरी थियरी लिखने की रहती है, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट थियरी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले करें तो अगर मान लो ये आप लोग आखिरी दिन वीडियो देख रहे हो या एग्जाम के बहुत नजदीक वाले दिन वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को बता दूं कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो 100% नहीं 200% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी पेपर पैटर्न के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि थियरी होगी 14 मार्क्स की, और उसके और में 7-7 मार्क की थियरी पूछी जाती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूनिट 1 से आता है। फिर आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 से आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 3 से आएगा क्वेश्चन 3, और यूनिट 4 से आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से 4 यूनिट के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं कि आपका जो बिजनेस लॉ का कोर्स है ना वो बहुत लेंदी है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करने गिने चुने करने हैं। और मैं यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अगर ये आप 23 क्वेश्चंस That means, आपके पूरे में से पूरे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 सबका सेम पैटर्न है, यानी कि थियरी 14 मार्क की, उसके और में 7-7 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। और जो 14 मार्क का क्वेश्चन होता है ना वो लेंदी होता है, यानी उसमें काफी आपको कॉन्टेंट लिखना होता है, काफी सारे पेज भरने होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका ट्रू फॉल्स होगा, जो कि 14 मार्क का रहेगा, और उसमें से आपको कोई भी 7 जो है वो लिखने होंगे, यानी कि 10, 12 कितने भी आ सकते हैं, उसमें से फिक्स है कि ये लोग ट्रू फॉल्स ही पूछते हैं, सालों से ये लोग ट्रू फॉल्स ही पूछते हैं। तो आप लोग ना पास्ट ईयर के पेपर्स के ट्रू फॉल्स अच्छे से करके जाना, या तो जो आपके बुक के अंदर देके रखे हैं वो करके जाना, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है कि इस तरह का पूरा पेपर पैटर्न रहता है आपके बिजनेस लॉ का। अब मैं आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बता रहा हूं, पहले ही का 23 क्वेश्चंस बताऊंगा, वो 23 करके जाओगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बट उसमें से भी कुछ आईएमपी क्वेश्चंस निकालूंगा। तो अगर आप लोग लास्ट वीडियो देख रहे हो ना तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अगर आप जल्दी पढ़ रहे हो तो 4 क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लेना, और इसमें से देखने को मिल ही सकता है आपको जो कि 14 मार्क का क्वेश्चन होता है वो। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 7 पे है। आपको मैं बता दूं, आपको पता है ये जो है क्वेश्चन वो यूनिवर्सिटी में 5 बार पूछा गया है, कंटीन्यूअस 5 बार, तो भाई चांसेस है कि इस बार भी पूछे जा सकता है। और ये लोग फेवरेट क्वेश्चन से ये सारे यूनिवर्सिटी के, और एज वेल एज आपकी कॉलेज के एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, पेज नंबर 21 पे, जो 3 बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी की एग्जाम में। देन है एग्रीमेंट विद माइनर पर्सन, पेज नंबर 31, सेम वो भी 3 बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी की एग्जाम में। और फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन, पेज नंबर 42। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ये सारे क्वेश्चंस लाते कहां से, आपको कैसे पता ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है? तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पास्ट ईयर के जो पेपर्स है उसका एनालिसिस करके हम ये सारे क्वेश्चंस निकालते हैं, और चांसेस है कि इस बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाए। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दोनों यूनिट का सेम नाम है, क्वेश्चंस अलग-अलग है। इसमें आपको क्वेश्चंस देखने होंगे डेफिनेशंस एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन, पेज नंबर 71। देन है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, पेज नंबर 73। ये क्वेश्चन 3 बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 83, 5 बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा गया है। देन है रूल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पेज नंबर 88, जो 3 बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा गया है। फिर है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग एंड रूल्स, पेज नंबर 106। फिर है एलिमेंट्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 109। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यूनिट 1 और 2 से बताए ना, जरूरी नहीं है कि सेम नाम से एग्जाम में पूछे जाए, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे एक्सप्लेन लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे, ठीक है। ऐसी सारी चीजें ये लोग करते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो बच्चों के माइंड में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जैसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है तो एग्जाम में एलिमेंट्स की
जगह यहाँ पे क्या बोल देंगे, प्रोविजंस बताओ। तो बात तो वही है, एलिमेंट्स और प्रोविजन एक ही है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बात करूं तो हमारा बीकॉम सेम फाइव का जो पूरा कोर्स है ना, वो हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टेटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर बच्चों को ना बिजनेस लॉ के अंदर दिक्कत आ सकती है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग ना हमारे कोर्स को जरूर परचेस करो, जिसकी प्राइस है 2399, जहां पे आपको लाइव क्लास में आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, एज वेल एज आपको हर एक रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप ये हमारे कोर्स को परचेस जरूर करना, जिसमें आपका ही फायदा है। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे ऐप अवेलेबल है, अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है इंडियन टैक्सेस। अच्छा, इस यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई काफी सारे टिक किए हुए हैं, ये सारे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करके ही जाना। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्साइजेबल गुड्स एंड फैक्ट्री, पेज नंबर 136। फिर है टाइप्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेज नंबर 139, जो कि 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है कैनवेंट एंड कैनवेंट क्रेडिट, पेज नंबर 146, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेज नंबर 150, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 3 बार पूछा गया है, पेज नंबर 150 पे। फिर है स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, पेज 150, सेम 3 बार पूछा गया है। और आखिरी क्वेश्चन है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो है पेज नंबर 153 पे, जो कि 2 बार पूछा गया है। तो इस तरह से मोस्ट टाइम के क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 के। अब नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें कौन से है, तो टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आईएमपी दिए हैं। सबसे पहला है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स डिफरेंस, पेज नंबर 162, कंडीशंस एंड वारंटीज मीनिंग, पेज 172। अच्छा, ये पहला वाला क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी की एग्जाम में। नेक्स्ट है नंबर 3, इंप्लाइड कंडीशन, पेज 174, कैवेट एम्प्टर, बायर बी अवेयर, पेज नंबर 177, सीआईएफ एंड कॉन्ट्रैक्ट, पेज 191, और अनपेड सेलर एंड हिज राइट, पेज नंबर 193। ये वाला क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। तो इस तरह से 4 यूनिट के मिला के मैंने आपको टोटल 23 क्वेश्चन दिए हैं। अगर ये 23 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो मोर देन 80%, यानी कि इसका जो एग्जाम होती है उसमें 80% से ज्यादा ला सकते हो, मतलब कि ट्रू फॉल्स इसके अलावा, यानी 80-90 अब आराम से आप लोग ला सकते हो इस एग्जाम के अंदर। और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।